हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो, हाय एवरीवन, हाय 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 एवरीवन। सो बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना कहूँगी कि मैं आज अचानक लाइव क्यों आई हूँ। हाय एडिक्टेड उस्ताद, हाय 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 जिग्नेश। मैं किसी का अभी रिक्वेस्ट नहीं ले पाऊँगी वीडियो के लिए क्योंकि मैं आप सब से बात करना चाहती हूँ। हाय रोहित राठौड़। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि बहुत टाइम से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे पर्सनली आके बात कर सकूँ। बुशराज जयवालिया, यस मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। हाय रोज स्पीक्स। तो ये था कि जब से मैंने शो ज्वाइन किया है तारक मेहता, मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं आप सबको हाय कह सकूँ। हाय तारक मेहता मिस किंगडम, हाय हाय डी रौनक। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अचानक से लाइव आ गई और मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है तो मैं जल्दी से लाइव आ जाऊँ। थैंक यू आयाना अहमद, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। और युवराज थैंक यू, इतने कम टाइम में आप सब ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। और हाय द मीम्स, हाय टैकर, हाय हाय। सो गाइज आई वॉन्ट थैंक यू ऑल। मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती हूँ मैसेजेस से, मैं अपना मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज बिकॉज आई फील सो लव्ड एंड इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, यू नो कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हो इतने कम समय में। आई जस्ट वॉन्ट टेल यू ऑल दैट आई लव यू ऑल टू एंड आप लोगों के बिना मैं नहीं, यू नो आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल। तो मैं सिर्फ सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और अगर ऐसे कभी होता है कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ या यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो हम दिन में कितने घंटे इंस्टाग्राम को दे या फिर सोशल मीडिया को दे, बहुत मुश्किल हो जाता है सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना। सो गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, अगर मैं कभी किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग, अजय वशिष्ठ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करने की बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप प्लीज़ वो भी समझिए। यू नो हमें दूसरे भी काम होते हैं, हमें घर काम भी होते हैं, तो वो सब चीज़ों में थोड़ा अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। बट इररिस्पेक्टिव आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल आई लव यू ऑल एंड मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं जानती हूँ अंजलि भाभी का कैरेक्टर आप कोई और निभा रहा था और आपको आदत हो गई है, 12 साल हो गए हैं और मुझे शायद सिर्फ अभी 12 दिन हुए हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी मेहनत करने की और आप सबको खुश रखने की, आप सबको एंटरटेन करने की। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। एंड गाइज प्लीज़ एक दूसरे से लड़िए मत क्योंकि कोई कुछ लोग जो फैंस हैं तारक मेहता के, उनके भी कुछ सोच होंगे ये शो को लेकर, लॉयल्टीज़ होंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उनका दिल ज़रूर जीतूँगी, पर मैं चाहती हूँ आप आपस में फैंस लड़िए मत, सब मुझे प्यार कीजिए, सब प्यार स्प्रेड कीजिए, एक दूसरे को यू नो पॉजिटिव वाइब्स दीजिए। एंड हाय हाय ऋतुजा, हाय 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 हे ध्रुव, हाय हुएवर वाज लाफिंग, हुएवर वाज स्माइलिंग, हाय टू देम। थैंक यू जोनो, दिव्या, थैंक्स थैंक्स। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू ऑल द शॉर्ट मैसेज दैट आई लव यू ऑल एंड सुयश थैंक यू। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ यू ऑल अंडरस्टैंड मी बिकॉज ये सब थोड़ा मेरे लिए भी नया है, बट यू नो सबको एक मौका मिलना चाहिए एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखें एंड वी ऑल विल ग्रो टुगेदर, हम सब एक फैमिली की तरह बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। जो लोग नहीं भी जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएंगे, पर आप उनसे भी नाराज़ मत होइए गाइस। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनसे नाराज़ होइए, क्योंकि यू नो मैं उनके लिए भी एक्टिंग कर रही हूँ, यू नो दे आर ऑल्सो माई ऑडियंस। इनफैक्ट ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो मुझे कैसे प्यार करें और मैं उनका दिल कैसे जीतूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। एंड आई लव देम टू, पीपल हु फॉलो मी आई लव देम, बट पीपल हु डोंट फॉलो मी आई लव देम मोर, क्योंकि उनकी वजह से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है यू नो कि रोज़ काम पे जाके प्रूव करने का। सो गाइज आई लव यू ऑल एंड क्विकली मुझे लगा कि यू नो मैं आप सबको इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि मैं लाइव आ रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू क्विकली टेल यू ऑल दैट आई लव यू ऑल एंड थैंक यू अंजलि हेगड़े,
एंड हम बहुत मेहनत करते हैं एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, सेट पर बहुत कुछ होता है और कोविड में सेट पर जाके काम करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है. बट इवन सोडी जी जो अभी आए हैं, बलविंदर जी, यू नो, उन्हें और मुझे, हम दोनों को मौका दीजिए. यू नो, येस, क्रिटिसिज्म इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस. येस दर्शन, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इसलिए मैंने कहा कि जो लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं उनका भी क्रिटिसिज्म सर आँखों पर. एंड आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू फाइट, एक दूसरे में प्लीज़ फाइट मत कीजिए, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ यू ऑल. एंड जो लोग मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं, प्लीज़ फीडबैक इज़ मोस्ट वेलकम. यू नो, हर इंसान ने कहीं ना कहीं शुरुआत की होगी. मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं बट कभी किसी को, यू नो, हर शो में वो कैरेक्टर मैंने खुद बनाया है. बट यहाँ पे मैं किसी और के शूज़ में स्टेप इन नहीं करना चाहती, मैं अपने नए पैर ऑफ शूज़ बनाना चाहती हूँ. सो आई होप कि मैं अपने अंदाज में आपको एंटरटेन कर सकूँ. एंड गाइज, आई लव यू ऑल. और इस वक्त, यू नो, ये वक्त शायद कोविड का जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, हाई मैड किंग, वो हम सब के लिए मुश्किल है. हम सब घर पर बैठ के फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बोर हो गए हैं, तो इसलिए कभी ना कभी ऐसा आता है कि गुस्सा किसी ना किसी पे निकाल दो. विकेश हाय, तो अनन्या प्रधान हाय. यही मैं कह रही हूँ, मैं सबको हाय शायद ना बोल पाऊँ क्योंकि मैं अपनी बात बोलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप समझे. हाय धीरज जैन, मेरी मम्मी भी यहाँ पे है, जबकि मम्मी अगले कमरे में ही है. सो यस, मैं सेट पर भी एक बार लाइव जाने की कोशिश करूँगी. फिलहाल तो मैं अपने सीन्स पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ. सो दैट्स द थिंग, जस्ट बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव. एंड ये समय भी बहुत जल्दी टल जाएगा, तब तक हम आपको हंसाते रहेंगे, हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे. तारक मेहता देखिए, सारे कैरेक्टर्स को प्यार दीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, यू नो, एज एक्टर्स, एज एंटरटेनर्स, इस वक्त में सेट पर जाके शूट करना मुश्किल है. यू नो, बींग गलमा, थैंक यू सो मच. मैं जानती हूँ कि मैं उतनी ग्रेट नहीं हूँ, बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट. लाइक आई सेड कि मुझे किसी से, यू नो, पीपल हु डोंट फॉलो मी, आई लव देम टू एंड आई वॉन्ट टू मेक देम माइंड, और वो बहुत जल्दी मुझे फॉलो करेंगे. दैट्स माई, यू नो, वो मेरा प्रॉमिस है. बट थैंक यू गाइज, आई एम गोना टेक योर लीव. एंड आई जस्ट थॉट मैं क्विकली आके आप सबको हाई बोल सकूँ, क्योंकि बबूचक जेटिया हाय साहिल, क्योंकि इतने टाइम से लोग मैसेजेस भेज रहे हैं पर सबका रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट आई लव यू ऑल. और मैं आपके मोस्टली 80% मैसेजेस तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं काफ़ी रीमेंशन भी करने की कोशिश करती हूँ. सो तन्वी माई लव, सो तन्वी मेरी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड भी यहाँ पे है, जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है. एंड मेहता साहब को अच्छा खाना खिलाओ मयूरेश, कोशिश करूँगी. मैं तो खिला सकती हूँ, अंजलि नहीं खिला सकती उन्हें, वरना ATM डाइट का क्या होगा. तो बहुत ऐसे तन्वी जैसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं और आपके साथ रहते हैं. मैं चाहती हूँ कि यू नो, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करें. ये मुश्किल वक्त है, बट लाइक आई सेड, हमें गुस्सा एक दूसरे पे नहीं निकालना चाहिए. वी ऑल शुड बी देयर फॉर ईच अदर, इन फैक्ट सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट सोडी जी ऑल्सो, जिन्होंने अभी शो एंटर किया है, बिकॉज हम सब के लिए, यू नो, एक नया एक्सपीरियंस है, थोड़ा मुश्किल भी है. सेट पर मास्क पहनकर पूरे वक्त ध्यान रखना पड़ता है. सो हाय सिर्फ नाम ही काफ़ी है. मैं आप सबको रिप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं कभी किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई, आपको इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है गाइज. आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं इंसान हूँ. सो बट गाइज, आई एम गोना कम लाइव सून अगेन. एंड इनफैक्ट ये बार मैं आप सबको एडवांस में बताऊँगी, सो दैट हे नीरज, तो ताकि हम और लंबे समय तक मिल सके और ज़्यादा लोग लाइव पर आ सके. एंड येस, वन मोर तन्वी, आई लाइक ऑल तन्वीज. सो ठीक है गाइज, आई लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट संडे एंड कीप लविंग ईच अदर एंड लव यू गाइज, बाय.